कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद्य तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है इसकी जानकारी आपको देंगे, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है सारी जानकारी आपको देंगे, और विदेशी बाजारों में क्या स्थिति वो भी आपको बताएंगे। तो विदेशी बाजारों से शुरुआत कर लेते हैं, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है इससे पहले आपको बता देते हैं। बाजार खुलने से पहले मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। और जैसा कि आपको बता देते हैं कि अभी जो आने वाले समय में आपको मार्च मंथ का एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाला है। अगर आप भी मार्च मंथ में पूरी मार्केट की रेंज को समझना चाहते हैं, किस तरीके से होली के समय आप व्यापार करें, तो मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश है, डिटेल आप जान सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे किस तरीके से लोकल बाजारों में कामकाज हुआ। तो लोकल बाजारों में जोरदार तेजी बाजारों में देखी जा रही है। कल KLC में जोरदार तेजी देखी गई, 62 सेंट की बड़ी बढ़त के साथ कामकाज हुआ, जबकि सीबॉट का बाजार फ्लैट होता हुआ दिखाई दिया। सीबॉट के बाजारों में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं दिखाई दी। आगे आने वाले समय में होली और रमजान का त्यौहार बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा फिलहाल मंदे की संभावना नहीं है। बाजारों में आप गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी के तहत अगर बात करेंगे लोकल बाजारों की, लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार कल का 98 रुपए बोला गया, पामोलिन का बाजार 92 रुपए रहा, जबकि राइस ब्रान ऑयल का बाजार 82 से 83 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार भी 106 रुपए हल्का सा सपोर्ट पे बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन सीड का बाजार भी 4600 रुपए रहा। होली और रमजान की डिमांड सरसों के बाजारों में भी देखने के लिए मिली। सरसों में तो उतनी बढ़त नहीं देखी गई, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में जरूर ब्रांडेड कंपनियों ने अपने रेट बढ़ाते हुए नजर आए। चलिए बात करेंगे कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 861 रुपए, फॉरवर्ड में 856 रुपए, पामोलिन का बाजार 885 रुपए, सोया रिफाइन का बाजार 950 रुपए रहा। सोया डिगम की अगर बात करेंगे 875 रुपए, फॉरवर्ड में 855 रुपए, जबकि सनफ्लावर ऑयल का बाजार आप अगर देखेंगे तो 925 रुपए पे कामकाज हुआ। बढ़िया तेजी पामोलिन में देखी गई, 820 रुपए वाला पामोलिन 885 रुपए कांडला पोर्ट पे होता हुआ नजर आया। लगभग 5 से 6 रुपए किलो की तेजी देखी जा रही है। सोया रिफाइन में भी आप देखेंगे लगभग 8 से 9 रुपए किलो की तेजी अभी तक बाजारों में आ चुकी है कांडला पोर्ट पे। KLC हमने आपको ऑलरेडी बता दी किस तरीके से कामकाज हुआ, आप जान लेते हैं सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल के अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो आज का सपोर्ट का लेवल 97 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपए है। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए। राइस ब्रान का अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 81 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 84 रुपए। मस्टर्ड सीड में एक दायरे में काम कारोबार है, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल अगर देखा जाए तो 5350 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5500 रुपए देखा जा रहा है, जबकि सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4700 रुपए। सोयाबीन सीड में फिलहाल उस तरीके से बाजारों में तेजी नहीं जिस हिसाब से घरेलू बाजारों में सोया तेल में तेजी देखने के लिए मिल रही है। और आप देख रहे हैं कि सनफ्लावर ऑयल में भी भाव बहुत ज्यादा नीचे होने के कारण विदेशों बाजारों में भी आपको डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है। सनफ्लावर ऑयल में बाजारों में आपको और भी तेजी आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। कॉटन रिफाइंड में ऑलरेडी बाजारों में एक अच्छी तेजी बाजारों में देखी गई है। मूंगफली के तेल की अगर बात करेंगे तो मूंगफली का तेल भी बाजारों में एक अच्छी तेजी के साथ, बढ़त के साथ ही कामकाज बाजारों में देखा गया। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे फेसबुक पर आप देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, सपोर्ट करिए। अगर इसी तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट रोजाना आप जानना चाहते हैं तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।